एसओजी की चार्जशीट में पेपर लीक में बड़े खुलासे। फरार चल रहे 80% आरोपी जालौर जिले के। 1,00,000 रुपए इनामी सुरेश ढाका अभी तक है फरार। शेर सिंह ने बिछा के रखा था अपना जाल। पेपर के बदले लेते थे 2 से 5 लाख रुपए। कर ली थी करोड़ रुपए की कमाई। राजस्थान में कुछ ही दिनों पहले उदयपुर कोर्ट में एसओजी ने सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा में शामिल लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी, जिसमें कई चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। बता दें कि पेपर एग्जाम से पहले ही 5-6 जिलों में बन चुका था। आरपीएससी सदस्य रहे बाबूलाल कटारा से 1 करोड़ में डील होने के बाद भूपेंद्र सारण ने इसे अपने नेटवर्क के जरिए बेचा था। वहीं दूसरी ओर शेर सिंह मीणा ने भी करोड़ों की कमाई का इंतजाम करने के लिए जयपुर के 4 कोचिंग सेंटर और सीकर में 3 कॉलेजों को ये पेपर बेच दिया था। एसओजी ने उदयपुर की कोर्ट में बाबूलाल कटारा, उसके भांजे विजय और ड्राइवर गोपाल के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की है, उसमें कई चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। चलिए आपको वो खुलासे बताते हैं। एसओजी की चार्जशीट में सिलसिलेवार बताया गया कि शेर सिंह द्वारा सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के सवाल किस तरीके से और किन ठिकानों पर लोगों तक यानी कि स्टूडेंट्स तक पहुंचाए गए थे। चार्जशीट के अनुसार शेर सिंह ने अपने पेपर हासिल करने के 30 दिन से ही यानी कि नवंबर महीने से ही पेपर बेचने का काम शुरू कर दिया था। शेर सिंह ने अपने 2 दोस्त रामगोपाल मीणा और अरुण कुमार उर्फ राजेंद्र को पेपर बेचने की जिम्मेदारी सौंपी थी। रामगोपाल और अरुण कुमार दोनों का एजुकेशन लाइन से सीधा कोई जुड़ाव नहीं था। रामगोपाल मीणा और अरुण कुमार दोनों शेर सिंह के पुराने दोस्त थे और पैसे के लालच में शेर सिंह का काम करने लगे। इनमें रामगोपाल तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था। पेपर बेचने में कमाई देख उसने अपनी प्रॉपर्टी का धंधा छोड़ दिया और स्टूडेंट्स की तलाश करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरा साथी अरुण कुमार बेरोजगार था। एसओजी ने चार्जशीट में कहा है कि शेर सिंह के कहने पर रामगोपाल और अरुण कुमार ने ऐसे स्टूडेंट्स की तलाश करनी शुरू कर दी जो पेपर के बदले 2 से 5 लाख रुपए दे सकते थे। दोनों ने मिलकर करीब 50 स्टूडेंट से बात कर उन्हें विश्वास में लिया और पैसे लेने के बाद शेर सिंह से संपर्क किया, जिसके बाद शेर सिंह ने सभी स्टूडेंट्स का बैच बनाने को कहा। पेपर के प्रश्न कहाँ दिए जाएंगे इसके लिए अलग अलग लोकेशन तय की गई, जिसके बाद शेर सिंह खुद उन ठिकानों पर पहुंचा और स्टूडेंट्स को बोल बोल कर सवाल कॉपी करवा। सूत्रों के अनुसार शेर सिंह ने रामगोपाल और अरुण कुमार से प्रति कैंडिडेट 2 लाख रुपए के हिसाब से डील की थी। दोनों दलालों ने आगे पेपर का सौदा 3 लाख तो किसी ने 5 लाख में किया। अभी तक इनके दर्जनों अभ्यर्थियों को पेपर बेचने का पता चला है। इनमें से कई लोगों को नामजद भी किया गया है। हालांकि एसओजी ये मानकर चल रही है कि ये पेपर दूसरे ग्रुप के जरिए कम से कम 100 लोगों तक बेचा गया था, जिसके 2 रास्ते रहे होंगे। पहला रूट भूपेंद्र सारण और उसके जुड़े गिरोह के जरिए यह पेपर जालौर सांचौर से इकट्ठे कर लाए गए करीब 80 स्टूडेंट तक पहुंचा था। दिसंबर 2022 में उदयपुर पुलिस ने चलती बस में पेपर लीक करते 40 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को पकड़ा था, जिससे पेपर लीक गिरोह का खुलासा हुआ था। दूसरा रूट डील ये हुई थी कि शेर सिंह आगे पेपर सप्लाई नहीं करेगा ताकि किसी भी सूरत में भंडाफोड़ नहीं हो जाए, लेकिन कटारा के ड्राइवर गोपाल ने पेपर लेने के बाद शेर सिंह को जयपुर छोड़ा था। जयपुर पहुंचते ही शेर सिंह मीणा ने इस पेपर को आगे बेचने के लिए अपना नेटवर्क बिछाना शुरू कर दिया था। इस मामले में एसओजी ने कटारा सहित 62 आरोपियों को पकड़ लिया है। 1 लाख के इनामी सुरेश ढाका सहित 48 आरोपियों की तलाश है। चार्जशीट पेश करने के बाद मामले की जांच में जुटी टीम के सूत्रों के अनुसार यदि 48 फरार आरोपी पकड़ लिए जाए तो इनके जरिए होने वाले खुलासे से 100 और नए नाम सामने आ जाएंगे। गंभीर और खास बात यह है कि जिन फरार 48 आरोपियों के नाम सामने आए हैं उनमें से 80% एक ही जिले जालौर से ताल्लुक रखते हैं। पेपर लीक के बाद से जालौर भी ट्रेंडिंग में है। फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए एसओजी ने जालौर के लगभग हर गांव के चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। शेर सिंह के बारे में बता दें कि वे जयपुर के चोमू में डोला के पास का निवासी है, जो पिछले 10 साल से भर्ती परीक्षा के पेपर लीक करवाने का काम कर रहा है। भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद शेर सिंह फरार हो गया था। पुलिस ने उसे ओडिशा के एक गाँव से गिरफ्तार किया था, जहाँ वो मजदूर बनकर रह रहा था। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।